हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक वीकेस। मैं विकास आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मैं इस क्रास कोर्स में ये इकोनॉमिक की जो रमेश सिंह के द्वारा लिखा गया है इंडियंस इकोनॉमिक्स, इस क्रास कोर्स में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हार्दिक रूप से। मैं जो ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस है, जो कि हमारे जो रमेश सिंह साहब जी है उन्होंने लिखा है इंडियन इकोनॉमिक्स, उस किताब की बेस पर हम ये कोर्स डिस्कशन करेंगे। और ये उसका पार्ट वन है जो कि इंट्रोडक्शन है, और चैप्टर वन में जो है इंट्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन में मैं वो ही आज डिस्कशन करूँगा। और ये मेरा पहला लेक्चर है, पार्ट वन है। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये मैं डिस्कशन करूँगा UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सिविल सर्विस है, स्टेट PSC और UPSC यूनियन PSC दोनों में काम आएगा, और प्रीलिम और मेन दोनों में ही काफ़ी लाभदायक होगा। और मेनली मैं मेन के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन करूँगा, जिसके कारण कि आप सभी प्रीलिम भी क्वालिफाई कर सकते हैं और मेंस में भी बहुत शानदार तरीके से इंसान लिख सकते हैं। मैं अपने तरीके से कोशिश करूँगा, आप सभी लोगों को शानदार तरीके समझाने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो ये जो कोर्स है ये फास्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके कोर्स स्टार्ट करूँगा, और चार पार्ट में डिस्कशन करूँगा, छोटा छोटा पार्ट करके चार पार्ट में कंप्लीट करूँगा ये फास्ट चैप्टर। और पार्ट वन में जो है वो है इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन, ए वर्किंग डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी, द फोकस ऑफ इकोनॉमी, चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क मॉडल, ये मैं पार्ट वन में डिस्कशन करूँगा। देन पार्ट टू में डिस्कशन करूँगा ऑर्गेनाइजिंग एंड इकोनॉमी, रोल ऑफ स्टेट इन एन इकोनॉमी, वाशिंगटन कॉन्सेंसस, सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। देन पार्ट थ्री में द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज GDP, NDP, GNP एंड NNP, ये मैं पार्ट थ्री में कवर करूँगा। और पार्ट फोर में जो है वो कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम, टैक्स एंड नेशनल इनकम, सब्सिडाइज एंड नेशनल इनकम, एंड रिविजन इन द बेस ईयर एंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, देन इनकम एस्टिमेटिंग फॉर 2017 एंड 2018, में ये पार्ट फोर में कवर करूँगा। और वैसे ही पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में ये मैं जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में ऑल कवर कर दूंगा। तो ये है हमारे पार्ट वन। तो चलिए डिस्कशन करते हैं जो हमारा पार्ट वन है, इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। द स्टडी ऑफ एवरी डिसिप्लिन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट, इकोनॉमिक्स इज नो एक्सेप्शन टू दिस। तो यहाँ लिखा है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी टर्म दे दूंगा तो आप उसका डेफिनेशन खोजने में लग जाएंगे। जैसे कि साइंस में साइंस को हम डिफाइन करेंगे, बोटनी को डिफाइन करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी को डिफाइनिंग करेंगे तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो वैसे ही सभी टर्म का एक डेफिनेशन अपने ही डेफिनेशन होता है। तो वैसे भी सभी डिसिप्लिन का भी एक डेफिनेशन होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी का भी एक डिसिप्लिन है जिसका भी एक डेफिनेशन है। तो जैसे सभी चीज़ का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, जैसे ही एक चीज़ मैं कहूँगा आपके माइंड में एक डेफिनेशन सेट हो जाएगा, वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी एक डेफिनेशन है। तो ये जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, कई तरीके के इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। तो हम जान लेते हैं यहाँ जो डेफिनेशन दिया गया है, लास्ट में फिर से कंक्लूजन में हम डिस्कशन करेंगे आगे क्या दिया गया है। तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन दिया गया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट पीपुल। तो यहाँ पे जो दिया गया है इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्स। तो यहाँ तीन टर्म है, यूज स्केयर रिसोर्स, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट। यूज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। जो है यूज मीन्स जो स्केयर रिसोर्स है, जो रिसोर्स है, जो कि स्केयर रिसोर्स मीन्स जो लिमिटेड है हमारा वर्ल्ड पे, तो उसका कैसे यूज करेंगे
यूज करके कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, वैल्यूएबल कमोडिटीज जो कि वैल्यूएबल है, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट पीपल, और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंस डिफरेंस पीपल जो हमारे कंट्री में है, जो पीपल से पीपल्स के पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये होता है इकोनॉमिक्स, जो हमारा फर्स्ट टर्म कहता है। तो कैसे हम स्केयर रिसोर्स को यूज करेंगे, यूज करके कैसे प्रोड्यूस करेंगे वैल्यूएबल कम्युनिटीज, और उस वैल्यूएबल कम्युनिटीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पीपल्स के लिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये है हमारा फर्स्ट डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स का, हमारे जो बुक्स में दिया गया है। तो सेकेंड डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ इंडिविजुअल फार्म्स गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद आवर सोसाइटी मेक्स चॉइस एंड हाउ दिस चॉइस डिटरमाइन सोसाइटी यूज ऑफ इट्स रिसोर्स। दैट मीन्स ये एक स्टडी है कि जो हमारा सोसाइटी में इंडिविजुअल्स है, जो आदमी है, जो पर्सन है, फार्म्स है, गवर्नमेंट है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे एक स्केयर रिसोर्स को चूज करता है और कैसे उसको यूज करता है, उसका ओवरऑल स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ आप एक चीज याद रख सकते हैं कि चॉइस और जो नीड्स, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। चॉइस और नीड्स में डिफरेंस ये है कि जो नीड्स होता है वो जरूरत होता है, नेसेसरी होता है। दैट मीन्स मैं यहाँ आपको डिफरेंस बताने के लिए, नीड्स और वांट्स के बीच में डिफरेंस बताने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आप पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं। वाटर क्यों पीते हैं, कि क्योंकि ये आपकी जीवन के लिए, बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। तो ये हमारा नीड्स है, ये हमारा नीड्स है। लेकिन एक आदमी के पास बहुत ही पैसा है तो वो चाहता है कि पेट्रोल पिए, लेकिन पेट्रोल एक पीने की चीज नहीं है। दैट मीन्स पीने की चीज नहीं है, दैट मीन्स इट इज हिज वांट्स दैट ही वांट टू ड्रिंक द पेट्रोल। दैट मीन्स ये उसका वांट्स है, ये उसकी इच्छा है, लेकिन ये उसका जरूरत नहीं है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। वांट्स क्या होता है, वांट्स एक इच्छा होता है और नीड्स एक बेसिक नेसेसिटी होता है। तो ये है डिफरेंस, मेन डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। तो ये जो सेकेंड डेफिनेशन कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक स्टडी है हाउ इंडिविजुअल एंड फार्म्स एंड गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइस, कैसे चॉइस करते हैं, स्केयर रिसोर्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कैसे इस रिसोर्स को यूज किया जाए, ये उसका सेकेंड डेफिनेशन कहता है। नेक्स्ट जो है, इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन व्हिच स्टडीज द हाउ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट मेक देयर प्रायोरिटाइज चॉइस इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्केयर रिसोर्स टू gratify the various need and wants of life। That means ये जो economics होता है ये एक discipline होता है जो कि study करता है कि कैसे एक individual, society और government क्या करता है कि जो scarce resource है उसको कैसे अपना basic needs और basic wants fulfilled करने के लिए कैसे use करता है, ये economics उसको study करता है। study करने का एक discipline है। तो ये बहुत ही शानदार definition है economics का, आप इसे note कर सकते हैं और किसी भी मेंस की एग्जाम जो क्वेश्चन होता है, किसी भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी ऐसे में जो जीएस पेपर है इसमें आप इसे घुसा सकते हैं, लिख सकते हैं और एक शानदार तरीके से आंसर बना सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए ये जो डेफिनेशन है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, दैट इज व्हाई ए वेरी जनरल एंड लेमन डेफिनेशन इज नीडेड। दैट मीन्स जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए, उसका कंप्लीट मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसका एक लेमन डेफिनेशन, एक सिंपल सा डेफिनेशन चाहिए। तो हम कंक्लूजन में देखेंगे कि उसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा। तो ओवरऑल जो हम डेफिनेशन स्टडी किया उस सभी को स्टडी करने के बाद एक सिंपल डेफिनेशन आता है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड, जो मैन है, मैन की वेलफेयर के लिए, जो मैनकाइंड के लिए जो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है उसका स्टडी इकोनॉमिक्स है। ये जो शॉर्ट डेफिनेशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है उसका स्टडी है इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है ये इकोनॉमिक
एक्टिविटी क्या होता है? व्हाट एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? द एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व प्रॉफिट लॉस लाइवलीहुड ऑक्यूपेशन वेज एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट मीन्स जो प्रॉफिट लॉस होता है, जो लाइवलीहुड होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, जो वेज एम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट किया जाता है, जो कि हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट्स है, एक डेली एक्टिविटी है। इकोनॉमिक स्टडी ऑल दिस एक्टिविटीज। टूडेज इकोनॉमिक्स इज मेनी ब्रांच एंड स्टडी हाईली डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स राइट एट द ग्लोबल माइक्रो एंड माइक्रो लेवल्स। तो आज जो है इकोनॉमिक्स का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच हो गया है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक कंट्री के अंदर जो होता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो माइक्रो क्या कहते हैं, जो कंट्री में बाहर होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, टोटल ग्लोबल को लेकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है उसे ग्लोबल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट डेफिनेशन। आप इसे याद रख सकते हैं, एक शानदार डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हमने अभी तक जो स्टडी किया है उसमें इकोनॉमिक का जो डेफिनेशन है स्टडी किया, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो भी सेम सुनने में सेम लगता है, तो उसके बीच डिफरेंस क्या होता है? जो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है उसके बीच डिफरेंस क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इज सिंपली सेइंग इज दैट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। दैट मीन्स जो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है उसके बीच में रिलेशन क्या है, जैसे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिस। दैट मीन जो इकोनॉमिक्स होता है वो थ्योरी होता है, और जब हम थ्योरी को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं उसे इकोनॉमी कहा जाता है, इकोनॉमी। तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी को जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो जीएसटी होता है उसकी इम्प्लीमेंट करने से हमारा ये फायदा हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उसे लेके इम्प्लीमेंट कर दिया इंडिया में कि कल से जीएसटी लागू हो जाएगा। तो ये जो लागू कर दिया गया, जो इकोनॉमिस्ट ने बताया कि हमारा जो जीएसटी अप्लाई करने से ये फायदा होगा, तो वो एक थ्योरी है। दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ कह दिया कि ये फायदा हो सकता है, तो वो एक इकोनॉमिक्स है। और जब हम उस इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अप्लाई कर दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया ऑल इंडिया में, तो जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा इकोनॉमी। दैट मीन्स वो इकोनॉमी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स विल कम आउट विथ थ्योरीज ऑफ मार्केट एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा एंड एन इकोनॉमी इज द रियल पिक्चर ऑफ थिंग्स व्हिच इज इमर्ज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दोज थ्योरीज। दैट मीन्स जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स मार्केट की थ्योरी होता है, और उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आउटकम होता है, जो आता है, वो सब इकोनॉमी होता है। तो आप यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं मानता हूं कि आप यहां क्लियर हो गए होंगे कि जो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या होगा। बेसिक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, और ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है इसमें सारा के सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि इकोनॉमिक में हम जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे काम आने वाला है ये सब जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहे हैं। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड माइट बी फेसिंग सम कॉमन इकोनॉमिक चैलेंजेस, एट द सेम टाइम दे माइट बी फेसिंग सम हाईली स्पेसिफिक चैलेंजेस। दैट मीन्स जो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक चैलेंज से गुजर रहे हैं, और सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और स्पेसिफिक चैलेंज भी हो सकता है, सेम चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, जो थ्योरी है, वो सभी कंट्री में समान तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो थ्योरी है, जो इकोनॉमिक है, वो इकोनॉमी डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट से इम्प्लीमेंट होगा। और सेम इकोनॉमिक यदि इम्प्लीमेंट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, वो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है उसका
चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंस है, पीपल डिफरेंस है, इसलिए क्या होता है कि जो डिफरेंस डिफरेंस कंट्री होती है तो वो जो इकोनॉमिक थ्योरी होता है वो सभी जगह समान तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर से लेता हूँ कि जो GST अप्लाई किया गया है इंडिया में वो इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो जब हम जाके इम्प्लीमेंट करेंगे नेपाल भूटान और अदर कंट्री में, वो उस कंट्री में बेनिफिट नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। तो ये है कि जो डिफरेंस है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बीच में, इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द कंट्री एज टू व्हिच सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज दे सिलेक्ट फॉर सॉल्विंग देयर इकोनॉमिक चैलेंज। दैट मीन्स जो इकोनॉमिक में जो चैलेंजेस है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंट्री है वो अपना जो पीपुल है, कल्चर है, हिस्टोरिकल व्यू है, वो सब फैक्टर को लेके कैसे अपने कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक थ्योरी पुट करता है अपने कंट्री में और उसे इकोनॉमी में कन्वर्ट करता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका चैलेंजेस क्या है और वो कैसे चैलेंज को सॉल्व करता है। लेट्स नो व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो ये जो हमने इकोनॉमिक स्टडी किया है, अभी जो इकोनॉमिक्स हमने स्टडी किया और जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका रियल पर्पज क्या है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? तो हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट जो है रियल पर्पज है उसका बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की बेटरमेंट के लिए, उसकी लाइफ की कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए, शानदार तरीके से ह्यूमन लाइफ को गढ़ने के लिए हम इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमैनिटी है, उस ह्यूमन बींग का लिविंग कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए, शानदार तरीके से बढ़ाने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। ये है हमारा रियल पर्पज ऑफ स्टडिंग दी इकोनॉमिक्स। तो जो चैलेंजेस है, ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के डिफरेंस डिफरेंस इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंस चैलेंजेस होती है और उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करता है और इकोनॉमिक थ्योरी को इकोनॉमी में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी और क्या क्या चैलेंजेस होता है, चलिए जान लेते हैं। द मेन चैलेंजेस ऑफ एनी इकोनॉमी इज टू फुलफिल द नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो फर्स्ट चैलेंजेस है वो ये है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो पीपुल है, जो कंट्री की जो पीपुल होते हैं, पीपुल की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, ये एक चैलेंज होता है इकोनॉमिक्स में। दैट मीन्स जब एक कंट्री अपने पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है तो हम कहते हैं कि उसकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक बहुत ही बैड कंडीशन में है, तो ये उसका एक चैलेंज होता है। दिस गुड माइट इंक्लूड बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, गारमेंट एटसेट्रा, वाइल इट माइट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कार, मेडिसिन, कंप्यूटर एटसेट्रा। दैट मीन्स जो बेसिक नीड होता है, वो बेसिक नीड जैसे कि फूड, शेल्टर, गारमेंट्स हो सकता है और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मेडिसिन, कंप्यूटर, ये भी हो सकता है। तो उसको जब उस इकोनॉमी ने, उस कंट्री ने फुलफिल नहीं कर सकता तो हम कहेंगे कि वो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी एक बैड कंडीशन में है और डूबता जा रहा है। एच एन इकोनॉमी मोप ऑफ दी लेदर ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट नीड्स ऑफ पॉपुलेशन बिकेम नेवर एंडिंग फेनोमेना। जैसे कि इकोनॉमिक्स इंक्रीज इंक्रीज करते जाएगा, वैसे ही पीपुल्स की वांट्स, जो नीड है, नीड भी पॉपुलेशन की बढ़ते बढ़ते जाएगा और ये एक नेवर एंडिंग फेनोमेनन है, ये एक नेवर एंडिंग फेनोमेनन है, कभी नहीं सरेगा। तो मैं एग्जाम्पल की तौर से आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा मकान है, तो वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है सब सब कुछ है, लेकिन आपके पास जब बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी वांट्स भी बढ़ेगा, वांट्स की बढ़ने से आपकी नीड्स भी बढ़ेगा, नीड्स भी बढ़ने से आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है, जो वांट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स करेंगे। वैसे ही जो ये नीड्स होता है इकोनॉमी का, ये कभी नहीं कमता, ये
बढ़ते बढ़ते ही जाता है, नेवर एंडिंग फेनोमेनन, ये एक नेवर एंडिंग फेनोमेनन है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ चैलेंजेस दैट इकोनॉमिक्स फेस, फर्स्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन एंड सेकेंड द प्रेजेंस ऑफ सप्लाई नेटवर्क। जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होता है उसका दो एस्पेक्ट होता है, एक है कि जो गुड एंड सर्विस है उसका अवेलेबल होना, जो पीपुलस पॉपुलेशन है, जो पीपुल है उसके लिए अवेलेबल होना गुड एंड सर्विस का, ये एक एस्पेक्ट है। और जो सेकेंड एस्पेक्ट है, जो अवेलेबल गुड एंड सर्विस है वो कैसे पीपुल के पास पहुंचेगा, दैट मीन्स जो सप्लाई नेटवर्क है, द प्रेजेंस ऑफ सप्लाई नेटवर्क। तो जो फर्स्ट और सेकेंड है दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, एक दूसरे के बिना वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकता, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये है जो टू एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क मॉडल, दैट मीन्स जो इकोनॉमिक का डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, तो क्या है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, चलिए जान लेते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, ये तीन टाइप की होता है, एक है स्टेट इकोनॉमी, सेकेंड है मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड है स्टेट मार्केट मिक्सड इकोनॉमी, दैट मीन्स। तो ये जो स्टेट इकोनॉमी होता है, द स्टेट इकोनॉमी टेक दिस सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग गुड एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाई द पॉपुलेशन विद नो पेमेंट बींग डन बाय द कंज्यूमर्स, दैट मीन्स ये जो स्टेट इकोनॉमी होता है, स्टेट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही सब कुछ होता है, जो बेसिक नीड होता है पीपुल्स की, गुड एंड सर्विस की, जो सब रिक्वायरमेंट होता है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है, और जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है जो पॉपुलेशन होते हैं पॉपुलेशन को, दैट मीन्स मुफ्त में देता है जो लोग होते हैं, जो पीपुल होते हैं उस कंट्री का, गवर्नमेंट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है जो बेसिक नीड होता है पीपुल्स की, और जो सब एक्टिविटी होता है कंट्री में वो गवर्नमेंट ही रन करता है, गवर्नमेंट ही चलाता है, और गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है, इसे हम स्टेट इकोनॉमी कहते हैं, जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना बीइंग द बेस्ट एग्जांपल, दैट मीन्स जो सोवियत यूनियन थे और जिसे हम यूएसएसआर कहते थे और जो कम्युनिस्ट चाइना थे, वो दोनों कंट्री ने बेस्ट एग्जांपल थे स्टेट इकोनॉमी की। जो स्टेट इकोनॉमी होता है उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फैक्ट्री या प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है, वो कम्प्लीटली एक गवर्नमेंट की द्वारा चलाया जाता है उस कंट्री की इकोनॉमी को, उसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में एनालिसिस करेंगे। तो जो सेकेंड टाइप है वो है मार्केट इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी होता है, द सेकेंड कैटेगरी कॉम्स द मार्केट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, दैट मीन्स ये जो मार्केट इकोनॉमी होता है ये प्राइस मैकेनिज्म पे काम करता है, जैसे कि गुड एंड सर्विस होता है अवेलेबल इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई, देयर प्राइस आर डिटरमाइंड इन द ओपन मार्केट एंड फाइनली दे गेट डिस्ट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन, दैट मीन्स जो मार्केट इकोनॉमी होता है उसमें जो गुड एंड सर्विस अवेलेबल होता है वो मार्केट की डिमांड्स से ही होता है, जिस चीज़ का डिमांड जितना होगा वैसे ही उस चीज़ का प्रोडक्शन भी वैसा होगा और अवेलेबल भी वैसे ही होगा, और उसका प्राइस भी डिटरमाइन करेगा, मार्केट डिटरमाइन करेगा कि कौन चीज ज़्यादा चल रहा है, कौन गुड्स और कौन सर्विस ज़्यादा चल रहा है और कौन कम चल रहा है, दैट मीन्स ये जो मार्केट इकोनॉमी होता है ये कम्प्लीटली ओन होता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, दैट मीन्स जो मार्केट में गुड एंड सर्विस अवेलेबल होता है उसको कम्प्लीटली रेगुलेट करता है प्राइवेट कंपनीज। तो ये होता है मार्केट इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी जो होता है, जो कि थर्ड टाइप की इकोनॉमिक मॉडल है, आप ये जान चुके होंगे, मिक्स दैट मीन्स मार्केट और स्टेट दोनों के मिक्स, दैट मीन्स जो बेसिक नीड्स होता है पीपुल की वो एक कंट्री प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, और जो कि अदर्स गुड होता है बेसिक नीड को छोड़ देने के बाद जो सारे गुड्स और सर्विस होते हैं वो मार्केट इकोनॉमी डिटरमाइन करता है, दैट मीन्स मार्केट डिटरमाइन करता है, प्राइवेट फैक्ट्री प्राइवेट कंपनीज डिटरमाइन करते हैं कि उसका प्राइस क्या होगा, रेगुलेशन क्या होगा, कितने प्रोडक्शन होगा और किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सब जो प्राइवेट कंपनी होते हैं, प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं वो ही डिटरमाइन करते हैं। ये होता है स्टेट मार्केट मिक्स इकोनॉमी। और
ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे फॉलो वन अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारा वर्ल्ड्स में टुडे जो आज जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, मैक्सिमम कंट्री स्टेट मार्केट मिक्स इकोनॉमी को ही अडॉप्ट करते हैं, और किसी ना किसी तरीके से जो नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं स्टेट मार्केट मिक्स इकोनॉमी, वो किसी ना किसी इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करते थे और कर रहे हैं और करेंगे भी। जो ये तीन मॉडल हमने अभी तक जाना, जो कि स्टेट मार्केट एंड स्टेट मार्केट मिक्स इकोनॉमी, ये है थ्री इकोनॉमिक मॉडल्स जिसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उस तीनों के बारे में डिटेल्स में कि ये जो स्टेट होता है कहाँ से आया, स्टेट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कहाँ से आया, स्टेट मार्केट मिक्स इकोनॉमी कहाँ से डेवलप हुआ। ये जो स्टेट इकोनॉमी होता है वो एक जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेट इकोनॉमिक मॉडल दिया गया था। आप यहाँ याद रख सकते हैं, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के द्वारा स्टेट इकोनॉमिक मॉडल दिया गया था, जो कि फर्स्ट टाइम आया था यूएसएसआर में आफ्टर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 के बाद में यूएसएसआर में, जो कि रूस में है, जो अब हम उसे रूस कहते हैं, तो फर्स्ट टाइम वहाँ से आया था ये जो स्टेट इकोनॉमिक मॉडल। एंड आइडियल्स हैव इन द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में आया था। और दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो स्प्रेड टू द अदर कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप, और धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप के डिफरेंट कंट्री में भी ये स्प्रेड होने लगा। हियर वी सी टू वर्जन ऑफ स्टेट इकोनॉमिक। तो ये जो स्टेट इकोनॉमी होता है उसका भी दो वर्जन होता है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड अनदर वन इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो यूएसएसआर के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जो कि यूएसएसआर यूनियन सोवियत रूस होता था, सोशलिस्ट रूस होता था, उसके द्वारा सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया था। और 1985 के बाद चाइना के द्वारा कम्युनिस्ट इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया गया था। ये स्टेट इकोनॉमी का दो फॉर्म होता है। तो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो एम्फसिस ऑन कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक कलेक्टिव ओनरशिप में विश्वास रखता है। दैट मीन्स उस प्रोडक्शन का जो ओनरशिप होंगे वो एक कलेक्टिव एक सोसाइटी होंगे। और जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होता है वो एडवोकेट दैट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर विद एब्सोल्यूट पावर टू द स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी। दैट मीन्स ये जो स्टेट इकोनॉमी होता है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो बिलीव करता है कि जो ओनरशिप होना चाहिए वो एक सोसाइटी होना चाहिए, एक पार्टिकुलर सोसाइटी होना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप में बिलीव करता है। लेकिन जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होता है वो बिलीव करता है कि जो स्टेट ओनरशिप होना चाहिए सभी प्रॉपर्टी में, दैट मीन्स जो कंट्री के बीच में जो भी सब हो वो स्टेट के द्वारा ओन किया जाए, इसमें बिलीव करता है ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होता है। ये स्टेट इकोनॉमी की दो फॉर्म होते हैं, दो वर्जन होते हैं। तो ये था हमारा जो स्टेट इकोनॉमी, जो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में उसका रूट है, और जो कि जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। हम इसे याद रख सकते हैं, डिफरेंस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में आप इसे यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप की इकोनॉमिक मॉडल है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था 1776 में उसकी एक बुक में, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये जो एडम स्मिथ थे वो एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे और इकोनॉमिक्स प्रोफेसर भी थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की जो यूनिवर्सिटी होता है उसमें एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे और एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर भी थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की मानना था कि जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शन के लिए उसमें कंपटीशन मार्केट की नेसेसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स जो इकोनॉमी होता है उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए कंपटीशन मार्केट की जरूरत होता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। वंस द यूएसए अटेन द इंडिपेंडेंस, आइडिया ऑफ एडम स्मिथ वर मेड पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। जस्ट वन ईयर आफ्टर द वेल्थ ऑफ नेशन वॉज पब्लिश, फ्रॉम हियर द आइडिया स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरो अमेरिका। दैट मीन्स जब अमेरिका और यूएसए इंडिपेंडेंट हो गया, तो जो एडम स्मिथ की
आइडिया थे वो ऐसे में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जो पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जब उसकी वेल्थ ऑफ नेशन वो पब्लिश हो गया, वो धीरे धीरे बाकी सारे कंट्री, यूरोपियन यूरो अमेरिकन कंट्री में स्प्रेड होने लगा। और ये जो कैपिटलिस्ट आइडिया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे यूएसए से डिफरेंट डिफरेंट अमेरिकन कंट्री और यूरोपियन कंट्री में स्प्रेड होने लगा। जो इसका उसको और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसकी अदर नेम्स भी है, अदर नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कि प्राइवेट एंटरशिप सिस्टम, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम एंड मार्केट इकोनॉमी सिस्टम। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो इकोनॉमी होता है ये कंप्लीटली प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ओन करता है और प्राइवेट तरीके से चलता है। उसमें गवर्नमेंट की कोई भी हाथ नहीं है, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की रेगुलेशन नहीं करता है। सभी चीज़ जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, कंपनी उसकी ओन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे कि हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। देन स्टेट एंड मार्केट इकोनॉमी के बाद ग्रेजुअली डेवलप हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि फेलोअर ऑफ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमी था, उसकी फेलोअर से मिक्स्ड इकोनॉमी का डेवलप हुआ। जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ के आइडिया से यूएसए में क्या हुआ कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल है था वो इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि 20th सेंचुरी की लास्ट में। और जब आते आते 1929 में यूएसए में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, तो उसमें जो एडम स्मिथ की कैपिटलिस्ट मॉडल था वो फेल हो गया। दैट मीन्स वो इकोनॉमिक जो ग्रेट डिप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाया। तो उसके बाद वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे जो सारा कंट्री थे, जो कि नियरेस्ट कंट्री थे, जो अदर यूरोपियन कंट्री थे, वहाँ भी जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, स्प्रेड होने लगा। तो उसके बाद जो इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट थे, केनिच, KeyNeich, केनिच, जो उसकी सजेस्ट में, उसकी सजेशन में उन्होंने एडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड स्टेट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट, मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे, उस इकोनॉमी में एडॉप्ट किया गया जो स्टेट इकोनॉमी। तो स्टेट इकोनॉमी क्या होगा, जो कि पब्लिक्स गुड की डिस्ट्रीब्यूट करेगा और पब्लिक गुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। दैट मीन्स जो बेसिक नीड होते हैं पीपल की, वो सप्लाई करेगा गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट सप्लाइंग सम बेसिक गुड्स एंड सर्विस विच आर नोन एज पब्लिक गुड्स, जिसे कि पब्लिक गुड कहते हैं, जो कि ह्यूमन बींग की बेसिक नीड है, पीपुल्स की बेसिक नीड है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, इंट्रोड्यूस किया गया जो सोशलिस्ट, जो स्टेट इकोनॉमी था। तो यहाँ से डेवलप हुआ मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं। तो यहाँ आया जो कि केनिच की आइडिया से स्प्रेड हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हुआ और डेवलप हुआ। तो नेक्स्ट जो है, इट वाज ओस्कार लांगे, जो कि 1904 में द पोलिश फिलोसोफर, और व्हिच 1950 में, सॉरी, जो 1950 में सजेस्ट द सेम थिंग फॉर द सोशलिस्ट इकोनॉमी एज केनिच हैड सजेस्टेड फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जो 1950 थे, 1950 में जो ओस्कार लांगे थे, ओस्कार लांगे एक फिलोसोफर थे, पोलिश फिलोसोफर, वो पोलैंड के होते थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो यूएसएसआर है, जो रूस है, रूस एक सोशलिस्ट इकोनॉमी अडोप्ट करता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे कि हमारे केनिच सजेस्ट किए थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो अडॉप्ट करने के लिए। दैट मीन्स जो सेपरेट सेपरेट इकोनॉमी थे, सभी इकोनॉमी को मिक्स करने के लिए ये जो फिलोसोफर थे और इकोनॉमिक्स थे उन्होंने सजेस्ट करने लगे। जैसे कि हम देखेंगे तो जो चाइना था, चाइना में माओ के द्वारा जो कम्युनिस्ट चाइना कंप्लीटली स्टेट इकोनॉमी पे रन होता था, वो अल्टीमेटली अपना पॉलिसी ओपन कर दिया और ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया 1985 में। ये भी एक मिक्स इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल है। और मार्केट सोशलिज्म की
डायरेक्शन में चलने लगा। दैट्स मीन्स अपना जो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट था और प्योरली जो बाहर कंट्री से आइसोलेटेड था, उन्होंने भी मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एडॉप्ट करने लगा और अपना सोशलिज्म की इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी को भी एडॉप्ट कर दिया और यहाँ से जन्म हुआ जो मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ से डेवलप हुआ। तो ऐसे ही मिक्स इकोनॉमी का डेवलप हुआ है हिस्ट्री में। तो मेनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दैट ऑप्ट फॉर मिक्स इकोनॉमी इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड, दैट मीन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार की खत्म होने के बाद मैक्सिमम कंट्री जो वर्ल्ड की थे उन्होंने सभी कंट्री ने मिक्स इकोनॉमी की ओर से ग्रेजुअली अट्रैक्ट हुआ और मिक्स इकोनॉमी मॉडल को एडॉप्ट कर लिया, जैसे कि इंडिया, मलेशिया। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही 1947 की अपना इंडिपेंडेंस की बात से ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को एडॉप्ट किया है और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री थे उसकी मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक में भी और IMF में भी बहुत शानदार तरीके से प्रयास किया कि सभी कंट्री कैसे जो मिक्स्ड इकोनॉमी की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अपना इकोनॉमिक मॉडल की रूप से अडॉप्ट करें। तो ये वर्ल्ड बैंक और जो IMF थे उसका भी एक प्रयास थे। तो ऐसे ही डेवलप हुआ मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए जान लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में कैसे मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और कैसे ही अपना पॉलिसी चेंज किया। ये जो इंडिया है, इंडिया जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ 1991 में, जो कि हम LPG की रूम में जानते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। LPG दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ था। और जो इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का जब 1947 के बाद में इंडिपेंडेंस होने के बाद से ही इंडिया एक मिक्स इकोनॉमिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो उसका रोल था एक्टिव रोल प्ले नहीं करता था। और जब इंडिया में भी डिप्रेशन आया 1991 में, उन्होंने एडॉप्ट किया और अपना जो पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, उसको चेंज किया और LPG रिफॉर्म को एडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद शानदार तरीके से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहांस किया और ये आगे भी अपना नीड्स के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करते रहेगा, अपना बेसिक नीड और अपना नीड्स के हिसाब से इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर और पार्ट वन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप को यदि ये लेक्चर पसंद आया तो आप शेयर जरूर कीजिए, शेयर कर सकते हैं। और कोई सजेशन के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी ही पार्ट टू अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।